हैं, बिजली, शिक्षा, सड़क, ये जो मूलभूत समस्याएं होती है आम आदमी उसे जूझते ही रहता है। और अभी कुछ मतदाता भी, वोटर्स भी यही बता रहे थे कि आखिर वो सिर्फ चुनाव के समय ही वादे और जो मुद्दे होते हैं वही याद आते हैं और जनप्रतिनिधि अपने वादों से कोसों दूर रहते हैं। इस बात के लेकर भी कुछ जनप्रतिनिधियों ने TV24 चैनल से भी बातचीत करते हुए बताया। निश्चित रूप से जो एक दायित्व होता है वो दायित्व जनप्रतिनिधियों को निभाना चाहिए ताकि वो जनता की सेवा कर सके। राजनीति अलग मैटर है, अलग चीजें हैं, बिल्कुल राजनीति करें, सब करें, लेकिन जो जनप्रतिनिधि के मांगे हैं, मुद्दे हैं, उन पर विशेष रूप से अटल रहना चाहिए और काम करने की आवश्यकता है। अगर जो अच्छा काम करेगा वही जनप्रतिनिधि कहलाएगा और वही सरकार और सत्ता बनाता है। हमसे और अभी इस वक्त जुड़े हैं अतुल विनोद जी। अतुल जी, मैं आपसे ये भी और समझना चाहूंगा कि जबलपुर के 8 विधानसभाएं हैं, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें, ग्रामीण जो विधानसभा हैं 4, बरगी, पाटन, सिहोरा, पनागर, हम उनपे भी अगर विश्लेषण करें और समीक्षा करें तो क्या मुद्दे स्थानीय दिखते हैं वहां पर? जी चलिए अतुल जी हमसे जुड़ते हैं, तब तक से हमें बताना चाहते हैं, सिहोरा से एकता ठाकुर, कांग्रेस से बीजेपी से संतोष बरकड़े, युवा प्रत्याशी हैं दोनों, दोनों पर दांव खेला गया है। बरगी से संजय यादव कांग्रेस से, तो बीजेपी से नीरज सिंह, पनागर से राजेश पटेल कांग्रेस, बीजेपी से सुशील तिवारी को इस बार जो है टिकट दिया गया है। तरुण भानोट लगातार के विधायक रहे हैं कांग्रेस के। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, बड़ा नाम, जबलपुर पूर्व से लखन घनघोरिया और भाजपा से आंचल, और जबलपुर उत्तर मध्य की बात करें विनय सक्सेना कांग्रेस से, बीजेपी से अभिलाष पांडे, जबलपुर कैंट की बात करें चिंटू चौक से और भाजपा से अशोक रोहानी जी, तो ये पाटन की भी बात करें नीलेश अवस्थी और अजय बिश्नोई बीजेपी से, तो एक बड़ा टक्कर देखने पड़ता है। युवा प्रत्याशी भी मैदान में है, सिहोरा से एकता ठाकुर और संतोष बरकड़े। तो हम अभी पूरा तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे थे, हम सीधे लिए चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी के पास। अतुल जी एक बेहतर समीक्षक हैं, बेहतर करीब से देखते हैं चीजों को, पॉलिटिकल को, मध्य प्रदेश की राजनीति को। हम सिर्फ चार, अगर हम विधानसभा की बात करें, जबलपुर के जो 4 ग्रामीण विधानसभा हैं, आखिर क्या मायने हैं वहां पर विकास के और मुद्दे क्या है वहां पर? जी देखिए, एक एक विधानसभा की हम बात करते हैं। पनागर विधानसभा की बात करें तो पनागर विधानसभा बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहां पर कांग्रेस जोरदार पलटवार की तैयारी कर रही है। वजह क्या है, यहाँ के नागरिकों को आपने सुना, हमने सुना कि नागरिक विकास से संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से वो चाहते थे डेवलपमेंट, उस तरह से डेवलपमेंट हुआ नहीं। पनागर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र है, जबलपुर से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ भी विकास के पैरामीटर्स पर यह क्षेत्र खरा नहीं उतरता। राजधानी भोपाल से काफी दूर है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा है, इसलिए गढ़ होते हुए भी पनागर सीट से बीजेपी श्योर नहीं है कि यहां से वो जीत जाएगी। और यहां पर 2018 की बात करूं, 70% मतदाताओं ने वोट डाले थे, तो वोटिंग परसेंटेज अपने आप में महत्व रखता है। जब 70% वोटिंग हुई तो बीजेपी को जीत मिली, लेकिन यदि इस बार वोटर निराश होता है, विकास से संतुष्ट नहीं होता, तो वोटिंग करने नहीं निकलता। हो सकता है कि बीजेपी का हार्डकोर मतदाता है लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर उसे दिक्कत होती है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। दूसरी सीट के बारे में मैं